कुछ ट्रिक्स होता है लोगों को धोखा देने वाला और कुछ होता है आंखों को चौंका देने वाला। आज का वीडियो पहले वाले ट्रिक्स के ऊपर बेस्ड है। नहीं, चैनल अभी भी क्रिएटिविटी बेस्ड ही है और पॉलिटिक्स मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है भी नहीं। देखो, लाइफ की तरह वीडियोस में भी कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो अगर एक सर्टेन वे में हुआ ना तो चीज़ें दिखने में सिनेमैटिक लगता है। हाँ, बस वीडियोस में तुम कंट्रोल कर सकते हो एलिमेंट्स को, जिसमें आता है कलर्स, कॉन्ट्रास्ट, लाइटिंग, कॉम्पोजिशन, डेप्थ ऑफ फील्ड, फोरग्राउंड्स, मूवमेंट्स, इंसान, बहुत कुछ। बट जो चीज़ एक मेजॉरिटी ऑफ द वीडियोज़ को नॉर्मल से ड्रामेटिक या सिनेमैटिक का रूप देता है वो है स्काई, आसमान, जो ऑलमोस्ट 70% टाइम शॉट्स में होते ही है। शॉट्स अगर बाहर ले रहे हो, ऑब्वियसली अंदर लेने का चीज और भी है जो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट स्काई है इम्पोर्टेंट शॉट्स में वो ड्रामेटिक फील लाने के लिए। क्यों? क्योंकि इट क्रिएट्स अ सॉर्ट ऑफ रियल फीलिंग्स जो हम अनुभव फील करते हैं जब बारिश के बाद स्काई में एक मूडी क्लाउड्स होता है या फिर सनसेट, मस्त सनसेट हो रहा है, रियल फिजिकल फीलिंग को रिक्रिएट करता है अगर वीडियोस में, विजुअल्स में स्काई बहुत ड्रामेटिक हुआ तो। प्लस हॉलीवुड के स्क्रिप्ट समझ में आए या ना आए, फ्रेम्स आंखों में अटक जाता है और उसके रिलेटेड कुछ भी देख लिया तो वो ऑटोमेटिक सिनेमैटिक हो जाता है। दैट इज व्हाई ड्रामेटिक स्काई इज द इजीएस्ट की फॉर प्रो सिनेमा लुक। नोटिस आई सेड इजीएस्ट, क्योंकि इसे हम आसानी से चेंज कर सकते हैं फॉर एनी वीडियोस इन एनी सॉफ्टवेयर्स लाइक लाइट रूम फोटोज के लिए या फोटोशॉप इन दिस केस, जिसमें क्लैरिटी और डीहेस का ऑप्शन है, जिसे ज्यादा करने से काम बहुत आसान हो जाता है। प्लस फोटोज अगर रॉ हुआ तो डिटेल्स को वापस लाना सपने देखने जैसा आसान है बिना कुछ काम किए। बट वीडियोस में ना है वो दो स्लाइडर्स ना है रॉ, इसीलिए मैं अपने वीडियोस में ये ट्रिक्स करता हूँ जहां पे भी थोड़ा स्काई डिटेल्स है, लाइक दिस वन, जिसको तुम लोगों को ना दिखा के कर लिया ग्रेडिंग क्योंकि उसके ऊपर वीडियोस ऑलरेडी है मेरा। जिसके बाद मैं जो करता हूँ वो है डायरेक्ट एफएक्स कंट्रोल में जाके लुमेट्री टैप को डुप्लीकेट रीसेट करके उस पर डाल देता हूँ एक मास्क, जिसको शॉट के हिसाब से प्लेस करके फेदर। अब ह्यूमन एलिमेंट्स रहा तो पॉइंट्स और हाथों के साथ थोड़ा समझदारी दिखाना है ही। देन जाता हूँ डायरेक्ट कलर सेक्शन पे और एक्सपोजर को थोड़ा नीचे, कॉन्ट्रास्ट को ज्यादा करके हाईलाइट्स और शेडोज को थोड़ा कम करता हूँ। मैजिक अभी नहीं होगा, कर्व से होगा। कर्व्स आर मैजिकल इफ विथ ए ब्रेन, क्योंकि उसी से ऑब्जर्व करना है कि शॉट पे स्काई कौन से वाले पार्ट पे आ रहा है। जनरली मिड टोन्स पे ही आते हैं, तो मिड टोन्स पे एक पॉइंट करके अगर उसको डार्क करूंगा तो देखो, ज्यादा नहीं लेयर्स पे करना है, इसीलिए एक और डुप्लीकेट और शेप चेंज करके और थोड़ा डार्क, और ग्रेडिंग से शेडोज को भी थोड़ा डार्क। ये स्टेप सही ऑर्डर से करने पे ना वो क्लैरिटी और डीहे स्लाइडर्स के स्टाइल्स को कॉपी कर रहा है, एंड आई एम हैप्पी विद दैट। बट मे बी नॉट ऑल द टाइम, लाइक लक, जो अगर काम नहीं करा तो स्काई ऐसा भी मिल सकता है खाली। अब इस केस में मैं क्रिएट करता हूँ ग्रेडियंट फ्रॉम डार्क टू ब्राइट, और ये सेम मास्क से ही, बट ये सफेद स्काई ना मिड टोन से ज्यादा हाईलाइट सेक्शंस पे ही ज्यादा रहते हैं, तो स्लाइडर्स और कर्व्स को भी मैं हाईलाइट सेक्शन पे ही डिक्रीज करता हूँ। बट जिसमें डिटेल्स है ही नहीं उसको ज्यादा पुश करने से क्या निकल के आ सकता है। कलर्स सेम कुछ इंसानों के जैसा ही, जो अच्छा नहीं लगता है वीडियोस में तो सैचुरेशन को कम करता हूँ, मेंटेनिंग द टोन ऑफ द ओरिजिनल। तुम्हें अगर कलर्स देना है तो तुम्हारी मर्जी, बट ये ग्रेडियंट बहुत नेचुरल लगता है अगर कलर्स और सैचुरेशन को ना मेंटेन करके करोगे। अगर शॉट में होराइजन है तो उसको थोड़ा ब्राइट करना है सेम टेक्निक से, उसमें थोड़ा कॉन्ट्रास्ट को डिक्रीज करके हाईलाइट्स को थोड़ा इंक्रीज कर देना, फॉगी वाला इफेक्ट भी हो सकता है जिससे सेक्सी कॉन्ट्रास्ट भी नहीं, एक मोर रियलिज्म भी आ रहा है। बट चुल अगर बहुत ज्यादा ही है तो देखो, मास्क है जिसमें पॉइंट्स ऐड होते हैं बहुत सारे, जिनको इधर उधर किया भी जा सकता है, स्मॉल थिंग्स, बट हर शॉट के हिसाब से ना कुछ चीजें बहुत कमाल का जाता है। इफ यू एक्सप्लोर एंड एक्सपेरिमेंट विद टूल्स, मैजिक विल हैपन। प्रीमियर प्रो का 1% यूज पे ही इतना कुछ हो रहा है। आप सोचो वीडियो एडिटिंग के कितने सारे टूल्स है जो तुम जॉर्डी के एडवांस प्रीमियर प्रो की क्लासेस से सीखोगे तो क्या होगा। वेल, कहां पे? स्किल शेयर पे, ऑब्वियसली, विच इज एन ऑनलाइन लर्निंग कम्युनिटी विद थाउजेंड्स ऑफ अमेजिंग क्लासेस बाय मास्टर्स ऑफ ईच फील्ड। और अगर प्रीमियर प्रो का बेसिक से लेके सिक्वेंस, शॉर्टकट, ट्रांजिशन, प्रीसेट, टेक्स्ट, मास्किंग, ऑडियो, रेंडर्स तक सब कुछ सीखोगे जॉर्डी के इस स्किल शेयर की क्लास से, तो तुम्हें पता चलेगा व्हाई आई लव स्किल शेयर। मैंने पहले भी सिनेमाटोग्राफी, फोटोग्राफी जैसा कई सारे क्लासेस लिए हैं, एंड दे वर एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग। अब जॉर्डी के इस स्किल शेयर की क्लास से मुझे ऐसा काफी सारा इन्फो मिल रहा है ना जो मैंने पहले सुना भी नहीं था। और फोटोग्राफी और वीडियोस जैसा क्रिएटिव राइटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, इलस्ट्रेशन, जिसमें भी तुम्हारा इंटरेस्ट हो, इनके पास हर टाइप की क्लासेस है बिना किसी एड्स के, विद 30% ऑफ ऑन द एनुअल सब्सक्रिप्शन, सिर्फ मेरे पहले 1000 व्यूअर्स के लिए, जिससे यू कैन एंजॉय अनलिमिटेड एक्सेस टू देयर प्रीमियम क्लासेस फॉर जस्ट 1900 रुपीज। ये बस कुछ ही टाइम के लिए अवेलेबल है, तो डोंट मिस आउट। क्लिक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड गेट स्टार्टेड विद योर क्रिएटिव जर्नी। जिस जर्नी में क्रिएटिविटी के साथ भी एक चीज और होता है, क्यूरियोसिटी, जो मुझ में भी है, तुम में भी है, जिसको यूज करके तुम सोच सकते हो कि अच्छा, स्काई रिप्लेसमेंट भी तो हो सकता है ना। पूरा स्काई को तोड़ के दूसरा कोई नया ऐड कर देना है,
टेक्निक्स तो है बट मुझे पसंद नहीं है और वो फेक भी लगता है अनलेस तुम आफ्टर इफेक्ट से 3D ट्रैकिंग करके मोशन को मैच करके प्लेन्स बना कर बहुत मेहनत है पापा। बट कुछ स्पेसिफिक शॉट्स में अगर स्टोरी डिमांड कर रहा है तो कुछ स्पेसिफिक ट्रिक्स है जो मैं करता हूँ जो बहुत आसान है बट इफेक्टिव है। लाइक ये शॉट, आहा क्या ही फीलिंग। एनीवेज ये सारा शॉट्स ना मेरा पिछले एक वीडियो से है, एनीथिंग ओरिजिनल्स देखा है तो पता ही होगा, एक छोटा रील्स भी डाला इंस्टा पे। बट इस शॉट को मैं स्पेसिफिकली चाह रहा था टू लुक मच बिगर वाइडर, ऐसा लगे कि एक मैसिव एम्प्टी स्पेस पे छोटा सा इंसान जिसका वाइड एंगल का वो कंप्रेशन फील मुझे पसंद नहीं है और 50 मिलीमीटर पोर्ट्रेट लेंस को दूर रखने का जगह भी नहीं मिला हमें। तो ये रहा शॉट विच इज ओके, बट इसको ही प्रीमियर में ले जाके मैंने कर दिया थोड़ा रिकम्पोजिशन नीचे करके बस, ताकि नेगेटिव स्पेस और भी ज्यादा हो जाए ऊपर, जिसके साथ ऊपर खाली भी हो रहा है, होना ही था। तो कॉपी किया उसी लेयर को, प्लेस किया ऊपर वाले लेयर में, अब कर दिया इसको रोटेट 180 डिग्री, साइज में थोड़ा बिग, फिर उसको पोजीशन कर दिया ताकि सिर्फ स्काई नजर आए और दोनों का ओवरलैप्स में ना थोड़ा जगह रहे, फिर ओपेसिटी पे एक मासक और बैम। किसी को कोई शक भी नहीं होगा। अब इसमें ग्रेडिंग के टाइम मैंने पहले वाला सेम टेक्निक, ऐसा ही काफी सारे फुटेज ना ऐसे होते हैं जिसमें स्टोरी के डिमांड से या मीनिंगलेस टाइम ज्यादा होने से ऐसा कुछ कर सकते हो जिससे कुछ हो ना हो यूनिकनेस बढ़ जाता है। लाइक दिस वन, ऊपर सफेद स्काई, बस सेम टेक्निक से सेम जगह पे ले हुआ एक और शॉट को ऊपर चढ़ा दो विथ 180 डिग्री रोटेशन। इस तरह का बेवजह हरकतें करने के लिए क्लियर स्काई इज द बेस्ट। अगर थोड़ा बहुत स्पेस मेंटेन करके करोगे ना तो ब्लेंड बहुत सही हो जाता है, बट वो हिलना नहीं चाहिए। शॉट ट्राईपॉड पे है तो बेस्ट, बट अगर थोड़ा बहुत शेक्स आ भी रहा है तो कोई बात नहीं, प्रीमियर प्रो का वॉर्प स्टेबलाइजर है। अतः बट उसका इंटेंसिटी 10 से ज्यादा मत रखना और मोशन को नो मोशन कर दो। अगर इसको थोड़ा साइड में भी रखो ना तो वो पहले वाले टेक्निक्स एक्चुअली रियलिस्टिकली एंड नेचुरली शॉट्स को दुगना सिनेमैटिक कर देता है। बट तुमने अगर एडिटिंग से सारा काम हो जाने की एक्सपेक्टेशन की स्टेरॉइड लेकर रखा है तो बाहर जाओ, सनसेट्स को चेस करो, वेदर को जानना सीखो, कौन सी वेदर में और किस टाइम पे स्काई मूडी होता है, सारे चीज स्लाइडर्स और बटन क्लिक करने से ही हो जाएगा। बट ऑलवेज रिमेम्बर, मास्क किसी इंपॉर्टेंट पार्ट को प्रोटेक्ट करना या ढकने का काम करता है, किसी भी सॉफ्टवेयर में हो उसे अंडरवेयर की तरह यूज मत करना।